हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि DDU एग्ज़ाम पैटर्न 2022 आपका कैसा रहेगा और आपके जो एग्ज़ाम है क्या वह MCQ टाइप से होंगे या फिर रिटेन एग्जामिनेशन होगा। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं UG के सेमेस्टर वाले छात्रों की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में UG के सभी कोर्सों को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है और आप सभी लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वह हो भी रहे हैं और लगभग आपका एग्ज़ाम हो भी गया है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वह बेसिकली MCQ टाइप से, उसमें क्वेश्चंस थे और कुछ नंबर का उसमें रिटेन एग्जामिनेशन भी हुआ था। तो ऐसे में आप सभी लोगों के मन में यह सवाल होगा कि जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वह बेसिकली किस पैटर्न पर होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का वह आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी नोटिस आ भी गई है कि आपका एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का कब होगा, साथ ही साथ एडमिट कार्ड इसका कब आएगा। ठीक है, यह सारी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी है एकेडमिक कैलेंडर वाली वीडियो में। तो आप सभी लोग जाके एकेडमिक कैलेंडर देख सकते हैं और उसमें लिखा भी है कि सेकेंड सेमेस्टर रिटेन एग्जामिनेशन कब होगा। ठीक है, अब बात करते हैं UG सेकेंड ईयर के छात्रों की कि UG सेकेंड ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि UG सेकेंड ईयर के छात्र फर्स्ट ईयर में जो है प्रमोट होकर आए थे, तो ऐसे में इनके मन में सवाल होगा कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वह सेमेस्टर वालों की तरह MCQ होगा या फिर रिटेन एग्जामिनेशन होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा बेसिकली वह रिटेन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, MCQ नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड ईयर वालों का वह MCQ हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से हुआ था। ठीक है, और इस बारी कोरोना की लहर जा चुकी है लगभग, और जो अगली लहर है फोर्थ लहर है वो बेसिकली जून महीने में आएगी। ठीक है, तो अगर कोरोना आ जाता है तो थोड़े से चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम MCQ होगा, लेकिन मान के चलिए कि 99% आपके जो एग्जामिनेशन होने की संभावना है वह रिटेन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, MCQ बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वह ख़राब कंडीशन में ही MCQ कराया जा सकता है, जैसे कि कोरोना की लहर मतलब आ गई हो और बहुत कंडीशन ख़राब हो, तभी आपका एग्जामिनेशन MCQ हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो आपका जो एग्जामिनेशन है वह बेसिकली रिटेन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और कब होगा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका डेट भी बता दिया था कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा और आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो आप सभी लोग वह वाली वीडियो जाके देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने आपको नीचे दे दिया है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि UG के जो थर्ड ईयर के छात्र हैं उनका एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो थर्ड ईयर वाले छात्र हैं वह बेसिकली सेकेंड ईयर में MCQ बेस पर एग्ज़ाम देके पास होकर आए हैं थर्ड ईयर में। तो ऐसे में इनके मन में सवाल होगा कि क्या इस बार भी हमारा एग्ज़ाम MCQ होगा या फिर रिटेन होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो थर्ड ईयर वाले छात्र हैं उनका एग्ज़ाम इस बार रिटेन एग्जामिनेशन होगा, MCQ बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, पिछली बार आप सभी लोगों ने MCQ एग्ज़ाम दिया था, लेकिन इस बार आपका एग्ज़ाम MCQ बेस पर नहीं होगा, आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा। और इस बार कोरोना की लहर बिल्कुल नहीं है, तो आपका जो एग्ज़ाम है वह रिटेन होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरी तैयारियाँ कर लीजिए, और अगर आपके एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी बदलाव आते हैं तो मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा उसकी पूरी संभावना है कि वह रिटेन एग्जामिनेशन ही होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अब बात करते हैं कि PG कोर्स का एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो PG का एग्ज़ाम पैटर्न है वह पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि PG में पहले से सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, तो इनका एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा। और इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा गया था, PG का कैसा हुआ था, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था एग्ज़ाम पैटर्न वाली वीडियो में, तो आप सभी लोग जाके एग्ज़ाम पैटर्न वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार जो आपके एग्जामिनेशन होंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वह बेसिकली रिटेन एग्जामिनेशन होगा, और आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आपको इसी चैनल पर दे दूंगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।